जगदलपुर के बाजार में बस्तर की खास डिश की डिमांड है। इस महिला की तरह कोई भी इस डिश को पहली बार देखने और सुनने पर ऐसे ही रिएक्ट करता है। बस्तर में लाल रंग की इन्हीं चींटियों को इकट्ठा कर चटनी बनाते हैं। इसे स्थानीय भाषा में चापड़ा कहते हैं। आदिवासी इसे खाते हैं और बाजार में बेचकर अच्छी कमाई भी करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मार्च, अप्रैल और मई का महीना आते ही लाल चींटियां जंगलों में सरगी, साल, आम और कुसुम के पेड़ों के पत्तों में बड़े पैमाने पर छत्ता बनाती हैं। ये चींटी वाली चटनी, इससे बहुत फायदेमंद होता है। इससे जो भी बीमारी होती है सब दूर हो जाती है, बुखार, सर्दी जो भी होता है बहुत फायदेमंद होता है। हम आते हैं तो हर बार में अपने घर पे लेके जाते हैं। ग्रामीण इन पेड़ों पर चढ़कर चींटियों को जमा कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए चींटियों को पीसा जाता है, फिर स्वाद के मुताबिक नमक मिर्च मिलाया जाता है। कुछ लोग अदरक और लहसुन भी मिलाते हैं। पेसरगी में, सिवना में, कोसम इसमें भी रहता है, करजी झाड़ में। घर ले जाना है, चटनी करना है और पीसना है, चटनी वगैरह बनाना है। अच्छा, क्या फायदा मिलता है इसमें? शरीर के लिए स्वस्थ अच्छा है, क्या वो बुखार नहीं आता है, अंकित नहीं होता है। किसी आदिवासी को साधारण बुखार होता है तो वह पेड़ के नीचे बैठकर लाल चींटियों से खुद को कटवाते हैं। कहा जाता है कि इस प्रक्रिया से बुखार का असर कम हो जाता है। दरअसल चींटियों में फार्मिक एसिड होने के कारण मेडिसिन के गुण पाए जाते हैं। चींटियों में प्रोटीन और कैल्शियम भी पाया जाता है, जिससे मलेरिया और पीलिया जैसी बीमारियों से आराम मिलता है। साथ ही शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है। चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ग्रामीण जो है इसे जंगल से, झाड़ से, बड़ी मेहनत से निकाल के बाजार तक लाते हैं। और ये चापड़ा चटनी से बहुत बीमारियां भी ख़त्म होती हैं, जैसे बार बार बुखार आना, इसको अगर इसकी चटनी खा ली जाए तो बुखार शायद नहीं आता है और कई बीमारियों के काम भी आता है। और बड़े चाप से लोग यहाँ बस्तर के लोग इसको खाते हैं। इस चटनी को बस्तरिया डिश के नाम से पर्यटकों को भोजन के साथ परोसा जाता है। जगदलपुर के रेस्टोरेंट्स और होटलों में भी डिमांड पर ये चटनी खिलाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।